सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज वापस मैं अरविंद को लेके आया हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं शोरूम जहाँ पर मैंने मेरी बाइक बुक की है। तो आज फाइनली मैं शोरूम का ब्लॉग बनाऊंगा। सो चैनल एंड टुडे आई एम इन KTM शोरूम मीरा रोड। सो यहाँ से मैंने अपनी बाइक बुक की है। तो कौन सी बाइक है वो मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। यहाँ बहुत शोर है तो लेट्स गो। सो गाइस, वी आर एंटर्ड इन द शोरूम एंड लेट मी शो यू द बाइक्स विच आर हियर। सो या दिस इज द ड्यूक 250 इन वाइट वन एंड द ड्यूक 250 ऑरेंज कलर एंड this is the beast, the 390 which I have booked. So yeah, have a look. And this is the showroom. This is 390 orange, Duke 200 and Duke 200. Arvind, tum idhar yaar baithne ke liye aaye ho? So now I'll show you the bike in cinematic view. अच्छी बाइक है और 250 भी इन्होंने बोला था अच्छी बाइक है, लेकिन दोस्तों की वजह से मैं 390 में स्विच किया बिकॉज ऑफ जस्ट ABS। सो आज जैसे आज स्टंट शो है फाइंडर में, फाइंडर इंद्रलोक कॉम्प्लेक्स। सो शायद से मैं और अरविंद का प्लान बना तो हम लोग जाएंगे और आज के ब्लॉग में उसको ऐड कर देंगे। सो आप बाइक के बारे में बताइए, मतलब उसका CC वगैरह पावर कैसा है। Duke 390 अपना सिंगल सिलेंडर का इंजन है जो 373.3 सीसी का इंजन है। मैं आपको PS पावर आ जाएगा 43.5। स्लीपर क्लच है, ABS ड्यूल चैनल ABS है, एल्यूमिनियम स्प्रिंग्स है, स्प्लिट चेसिस है, 13.5 फ्यूल कैपेसिटी है, फुल LED हेडलैम्प्स है। और अब मार्केट में अभी मिल रहा है TFT कंसोल जो अभी फिलहाल इसी रेंज में इसी बाइक में मिल रहा है। ओके, उसमें आपको ब्लूटूथ है, इनकमिंग कॉल डिस्प्ले हो जाएगी, उसमें आपका फोन का म्यूजिक जो हुआ उसमें से ऑपरेट कर सकते हो, फॉरवर्ड रिवर्स, काफी अच्छी बाइक है और वेलकम मनी है। सो बेसिकली इस बाइक में सब फीचर्स दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो बाइक वही बाइक है, उसमें सब फीचर्स दिए है एंड आई होप आपको भी उसका सिनेमेटिक व्यू भी अच्छा लगा रहेगा। सो या अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अगर चीज आर द एसेसरीज, ये है ये RC का है ना। दिस इज फॉर सेल, आई डोंट नो विच बाइक का है। सो दिस आर द एसेसरी। ओके, ये ड्यूक का है और स्टिकर्स है, ये भी ड्यूक का है, ये ड्यूक का है, हाँ ये भी ड्यूक का है। और नीचे ये RC का है, RC के स्टिकर। रेट क्या बताना, आके देखेंगे ना। रेट बताना वैसा फिर क्या अजीब हो जाता है कि किसी को और फिर मिलता है, फिर ये लोग किधर से और से खरीदे तो और में मिलता है, तो अच्छा नहीं होता ना। सो गाइस, हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं। सो शाम में मैं इनको शायद से ज्वाइन करूँगा तो मैं वापस इनको व्लॉग में लूँगा। सो या अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सो चलो बाय। सो गाइस, मैं अभी घर से निकल रहा हूँ अरविंद को पिकअप करने। फिर अरविंद को पिकअप करके हम लोग जाएंगे KTM शो में
KTM stunt show में. So that is from my house, it is like 7 to 8 kilometers. So ज़्यादा दूर नहीं है, तो roads are same, so no need to show that. So just अभी उसको पिक करता हूँ, पिक करने के बाद पहुँच के मैं अपडेट करता हूँ. So guys, we have reached at the place जहाँ पर stunt show होने वाला है. So अभी तक तो crowd आई नहीं है, 5:30 का time था, तो I don't know, अभी तक बहुत कम लोग दिख रहे हैं, as you can see around me. जैसे जैसे अभी क्राउड आएगा आई विल शो यू. सो या सो गाइज, जब तक चालू नहीं होता है तो अरविंद को भूख लगी है. मैं उसको बोला था घर से खा के आया, लेकिन वो खा के नहीं आया. मुंह से गालियां निकलती है, अब क्या करें, कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है. अबे उधर ही से खा ले कुछ यार, वो कल का बना, कल का तेरी माँ ने बोलो कल का बनता भरू भाई. एक बार टाइफॉइड से गुजर चुके, चिप्स वगैरह खा ले. सो हम खाने की तलाश में हैं, कहाँ मिलता है देखते हैं. सो गाइस, आई थिंक चालू हो गया है. सो हम लोगों ने कैंसिल किया, मतलब जिसने कैंसिल किया खाना और चिप्स के, तो और हम लोग खाए गाली निकल जाता ना अभी. सो हम लोग चिप्स खाने जा रहे हैं, मतलब ये चिप्स खाएगा, हम खा के आए घर से, अभी जस्ट खा के आए. तो चलो
लगा गाइस इवेंट इज ओवर. सो अरविंद कैसा लगा? फर्स्ट टाइम थोड़ा देखा पूरा किसान का बाबा है हट दिस इज हट दोनों का फर्स्ट टाइम था सो दोनों को मज़ा अच्छा लगा. होप आप लोगों को भी अच्छा लगा रहेगा एज आई पोस्टेड. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल एंड दिस व्लॉग ओवर हियर. सो बाय बाय टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट. सी यू सून.